अगर किसी हल्के चीज को फूंक मारे तो वो दूर जाती है, लेकिन जब हम ये बॉल को इस फनल के ऊपर रख के फूंक मारते हैं तो ये दूर जाने की बजाय इसमें चिपक कर रह जाती है। और अगर हम ये फनल को उल्टा कर दे तो भी देखिए क्या होगा। जब तक हम फूंक मारते हैं तब तक ये बॉल फनल में चिपकी रहती है, लेकिन जैसे ही हम फूंक मारना बंद करते हैं तब ये बॉल नीचे गिर जाती है। तो एक तरह से ये एंटी ग्रेविटी फनल है। ग्रेविटी इस बॉल को नीचे की ओर खींचती है, लेकिन फनल के वजह से ये बॉल ऊपर की ओर ही चिपकी रहती है। ये एक्टिविटी करने के लिए हमें एक छोटी फनल, एक फ्लेक्सिबल पाइप, एक हल्की बॉल और तंदुरुस्त फेफड़े चाहिए। अगर आपके फेफड़े कुछ ज्यादा ही तंदुरुस्त है तो आप ये बड़ी फनल या ऐसे बड़े बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस फनल और पाइप को जोड़ दे और हमारा एंटी ग्रेविटी फनल तैयार है। अब बस बॉल को फनल में डालेंगे और जोर से फूंक मारेंगे, और जब तक तेरी सांस चलेगी बॉल यू ही चिपकी रहेगी। जब हम बॉल को छोड़ते हैं तो ग्रेविटी इसे नीचे की ओर खींचती है। जैसे ही बॉल थोड़ी नीचे आती है, हवा को जाने के लिए बॉल के चारों ओर एक पतला रास्ता मिलता है। अब क्योंकि हवा निकलने का रास्ता पतला है, हवा की स्पीड इधर बढ़ जाती है। स्पीड ज्यादा होने के कारण प्रेशर कम हो जाती है और बॉल लो प्रेशर वाली जगह में खींचा जाता है, तो इस बॉल पे नेट फोर्स ऊपर की ओर रहती है, और यही फोर्स बॉल पे लगने वाली ग्रेविटी को बैलेंस करती है, जिसके वजह से बॉल अपने ही जगह में बनी रहती है। हवा की स्पीड बढ़ने पर प्रेशर कम होने वाले इस प्रिंसिपल को हम बर्नौली प्रिंसिपल भी कहते हैं। प्लास्टिक बॉल की जगह हम ये बलून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह के फनल पेपर को फोल्ड करके या बॉटल के ऊपर वाले पार्ट को काट के भी बना सकते हैं। तो अपने अपने फनल से ये ट्राई करें और हमें वीडियो जरूर भेजें। थैंक यू। नहीं गिरी है? नहीं। क्यों? मैंने देखा गिरी है कि नहीं गिरी? नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी? गिरनी चाहिए ना। अगर हम फूंक नहीं मार रहे हैं तो गिर जाती है। हम मार रहे हैं। पर फूंक मार रहा हूँ तो गिरनी चाहिए। फूंक। पर वो उल्टा है। पर वो उल्टा है। तो अब आप कल आप हमें सोच के बताना।